1993 मुंबई ब्लास्ट केस में मुंबई की टाडा अदालत का फैसला आ गया है। ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। करीमुल्ला शेख को भी उम्र कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि ताहिर मर्चेंट को बता दें फांसी की सजा सुनाई गई है। अब आपको मुंबई ब्लास्ट केस में जो सजा की 10 बड़ी बातें हैं वो अब बता देते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि ब्लास्ट के 2 दोषी ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मुंबई ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम और करीमुल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीसरी बड़ी बात, 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी रियाज सदीकी को 10 साल की सजा। और चौथी बड़ी बात यह है कि अबू सलेम 12 साल सजा काट चुका है, वो जेल में बंद रहा है इतने सालों और कम से कम उसे अब 13 साल और जेल में बिताने होंगे। पांचवी बड़ी बात यह है कि प्रत्यर्पण संधि की वजह से ही अबू सलेम को 25 साल जेल की सजा का ऐलान हुआ है, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। अब छठी बड़ी बात यह है कि सलेम की सजा की मियाद पर जो फैसला है वो भारत और पुर्तगाल की सरकारें मिलकर करेंगी। सातवीं बड़ी बात, फैसले के बाद कोर्ट में ताहिर मर्चेंट और अबू सलेम में झगड़ा हुआ। आठवीं बड़ी बात यह है कि अबू सलेम की ओर से यह मांग रखी गई है कि महाराष्ट्र से बाहर उसे शिफ्ट किया जाए, उसने अपनी जान को खतरा बताया है। नौवीं बड़ी बात, उम्र कैद की सजा सुनकर अदालत में अबू सलेम रो पड़ा। और दसवीं बड़ी बात भी आपको बता दें, धमाके की जो पीड़ित हैं कीर्ति अजमेरा, उन्होंने कहा है कि ये अधूरा इंसाफ है।